आप तक टाइम्स में आपका स्वागत है। बिना चिंता उपचार कराए पैसा हम देंगे सीएम योगी। जनता दर्शन में 250 लोगों की समस्याएं सुनी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। गोरखपुर 31 मार्च। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि गंभीर बीमारी से पीड़ित लोगों का उपचार अच्छे से अच्छे चिकित्सा संस्थान में होना चाहिए, इसके लिए पैसे की कमी बाधा नहीं बनेगी। शुक्रवार को जनता दर्शन में एक महिला ने अपोलो अस्पताल में इलाज के लिए आर्थिक मदद की गुहार की तो मुख्यमंत्री ने उसे आश्वस्त किया, आप बिना चिंता उपचार कराए पैसा हम देंगे। गोरखनाथ मंदिर परिसर के महंत दिग्विजयनाथ स्मृति सभागार के बाहर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगातार तीसरे दिन जनता दर्शन में लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी। शुक्रवार सुबह जनता दर्शन में करीब 250 लोग पहुंचे थे। मुख्यमंत्री ने एक एक करके सबकी बात सुनी। सभी लोगों को आश्वस्त किया कि बिल्कुल मत घबराए, परेशान मत होइए, हर मामले में प्रभावी कार्यवाही कराई जाएगी। उन्होंने प्रार्थना पत्रों को विषयानुसार प्रशासन व पुलिस के अफसरों को हस्तगत करते हुए निर्देशित किया कि जनता की समस्याओं पर संवेदनशीलता से ध्यान दें और उनका संतुष्टिपरक समाधान कराएं। जनता दर्शन में हमेशा की तरफ इस बार भी कई लोग गंभीर बीमारियों के इलाज में आर्थिक सहायता की गुहार लेकर आए थे। एक महिला ने मुख्यमंत्री को बताया कि उसका इलाज अपोलो में चल रहा है। सीएम ने महिला से पूछा कि क्या उसके पास आयुष्मान कार्ड है। जवाब में महिला के नहीं कहने पर सीएम ने कहा कि आप अच्छे से उपचार कराएं, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, पैसा हम देंगे। उन्होंने मौके पर उपस्थित अधिकारियों को निर्देशित किया कि इलाज का एस्टीमेट प्रक्रिया पूर्ण करते हुए जल्द शासन को उपलब्ध कराया जाए। इसी क्रम में एक महिला ने आवास की समस्या बताई तो सीएम योगी ने कहा कि जल्द ही उसके अपने आवास का सपना पूरा किया जाएगा। जनता दर्शन में अपने परिजनों के साथ आए बच्चों को भी मुख्यमंत्री ने खूब दुलारा, उनकी पढ़ाई के बारे में जानकारी ली और चॉकलेट के साथ खूब पढ़ने आगे बढ़ने का आशीर्वाद दिया। धन्यवाद। ये गोंडा का मामला करा रहे हैं अपोलो, उसमें आपको पैसा नहीं मिला, आयुष्मान का कार्ड नहीं है, ये गोरखपुर का मामला है ना, नहीं इसको देखो फिर बात करना मना कर देते, बैठ जाओ बैठ जाओ, अपने पैसा दे देंगे आप उपचार कराइए। क्या है भाई बेलघाट गोरखपुर का मामला है, गोरखपुर का ही है का जब आवाज मिलेगा, जब आवाज है जरूर मिलेगा।